माफ कर दीजिए मम्मी जी, अब आपके चरण धोकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। खुजली, ये खुजली 3 दिन तक रहेगी, सोने भी नहीं देगी आपको। ये तो बस ट्रेलर है सौतेली सासू माँ जी। अब तो सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखा था कि भाई किस तरह से ध्वनि और कोयल मिलकर अभिमन्यु को अपने जाल में फंसा लेती है, और यहाँ पर ध्वनि जो है इस बार वो अभिमन्यु से शादी कर लेती है। तो आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह ध्वनि जो है धीरे धीरे अपने चाल में बार बार अभिमन्यु को फंसाते हुए जा रही है। और यहाँ पर एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई वो अभिमन्यु से कहती है, पूरे परिवार के सामने आपका असली चेहरा भी बाहर आएगा और वेदांत जी हमसे प्यार भी करेंगे, ये वादा है एक सुहागन का कि मेरा घूंघट तो उठाओ क्योंकि एक रसम है। और इसी के साथ वो उससे गिफ्ट्स भी मांगती है, और हमें तो पता ही कि भाई ध्वनि जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रही है, और वो कोई भी प्यार व्यार तो करती नहीं थी वेदांत से। और इस बार उसने अभिमन्यु को फंसाया कि ताकि वो सारे पैसे अपने कब्जे में कर ले। तो इसी के साथ आगे यहाँ पर हम देखते कि भाई अभिमन्यु जो है काफी महंगी घड़ी जो लाखों की होती है, माफ कर दीजिए मम्मी जी, अब आपके चरण धोकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। खुजली, ये खुजली 3 दिन तक रहेगी, सोने भी नहीं देगी आपको। ये तो बस ट्रेलर है सौतेली सासू माँ जी। अब तो वो इस बार वो ध्वनि को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, और इस बार ध्वनि ने भी ठान लिया है कि वो पूरी तरीके से अभिमन्यु को अपने कब्जे में करेगी ताकि वो अपने सारे चाल में अच्छे तरीके से कामयाब हो पाए। तो इसी के साथ आगे एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई दादी जी के कमरे से गाने की आवाज़ आती है, और सभी घर वाले काफ़ी शौक हो जाते हैं, और जैसे ही सब कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई दादी जी में वो मोमेंट्स आ गए, और सभी लोग देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि भाई दादी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ठीक होती जा रही हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कोयल जो है वो काफ़ी डरी हुई है क्योंकि उसे पता है कि अगर दादी ठीक हो गई तो उसकी सारी सच्चाई जो है सभी घरवालों के सामने आ जाएंगे, और वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन भाई यहाँ पर सभी घरवाले ये भी सोचकर हैरान होते हैं कि भाई आखिर दादी जी ठीक कैसे हो रही हैं, ये चमत्कार हो कैसे रहा। लेकिन दादी जी जो है यहाँ पर वो स्वरा की तरफ इशारा करती है, और यहाँ पर सभी घरवालों को पता चलता है कि भाई इस चमत्कार के पीछे किसी और का नहीं बल्कि स्वरा का हाथ है। और यहाँ पर स्वरा सभी घरवालों को बताती है कि भाई वो एक आयुर्वेदिक तेल यूज कर रही है जिसकी वजह से दादी के अंदर इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन यहाँ पर वेदांत जो है वो उल्टा दोबारा से स्वरा पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक डॉक्टर तो नहीं हो, तुम ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि दादी जी ठीक हो रही हो। यहाँ पे भाई हमने सोचा था कि स्वरा का साइड लेगा और स्वरा की तारीफ करेगा वेदांत, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और कहानी में एक नया ट्विस्ट आया जहाँ पर हम देखने वाले कि भाई ध्वनि और कोयल मिलकर दोबारा से स्वरा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रही है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इस बार ध्वनि ने स्वरा पर झूठे आरोप लगाए हैं, वो भी मर्डर के। और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई स्वरा जो है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि भाई किस तरह इस बार स्वरा अपने आप को बचाएगी।